तो सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाउड स्मोक पिस्टन में। दोस्तों आज हम लेने जा रहे हैं कि SD क्लासिक को, और SD क्लासिक जो है वो हमारे पास में रिसीव हुई है जैसलमेर से। जैसलमेर राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है जो कि बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है। भारत का लास्ट जिला, मेरे राजस्थान का लास्ट जिला है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है। गाड़ी को वहां से भेजा है मिस्टर विजेंद्र सिंह राजावत जी ने, जो कि मेरे YouTube चैनल के थ्रू उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उस गाड़ी को उन्होंने बाय ट्रांसपोर्ट से मुझे भेज दिया है। तो उस गाड़ी को लेकर आते हैं या अपने वर्कशॉप में और दिखाते हैं आपको कि गाड़ी किस कंडीशन में है और गाड़ी पे हमें क्या क्या काम करना पड़े। तो चलो लेट्स गो। तो दोस्तों हम आ गए हैं झांझरी ट्रांसपोर्ट सर्विस में और गाड़ी का लोकेशन हमको जो पता चला है वो यहीं पे चला है। चलो देखते हैं कि गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है, शायद अंदर चलना पड़ेगा। तो गाड़ी हमें दिखाई पड़ गई है दोस्तों, गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। तो कुछ जो भी पेपर वर्क है वो कर लेते हैं और एक बार इसमें के टायरों में हवा देख लेते हैं। गाड़ी तो ये स्टार्ट है नहीं, हवा डलवानी पड़ेगी टायर में, तब जाके ये टो होकर जा पाएगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वरिंदर सिंह जी राजपुरोहित जी ने, जो कि जैसलमेर राजस्थान से हैं और मेरा भी एड्रेस लिखा हुआ है। तो गाड़ी तो आ चुकी है, इसको अनबॉक्स करके लेकर चलते हैं वर्कशॉप में। तो दोस्तों ये है गाड़ी और ये गाड़ी हमें पहुंचाई है वीरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जी ने, जो कि रहते हैं जैसलमेर के अंदर। गाड़ी की कंडीशन आपको दिखाऊं दोस्तों कि गाड़ी कुछ नजर आती है ऐसी, इस साइड से पीछे नजर आती है, बैक साइड से कुछ ऐसी। गाड़ी में सबसे बढ़िया बात जो है वो है इसके 3 डिजिट नंबर RJM 731। अब गाड़ी के अंदर दोस्तों क्या क्या काम हमें करना पड़ेगा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में जो टायर लगा हुआ है दोस्तों वो अच्छा वाला लगा हुआ है, MRF का टायर है, नया टायर है, तो फ्रंट का टायर हम चेंज नहीं करेंगे। मडगार्ड जो है, मडगार्ड ठीक है गाड़ी का, लाइट ठीक दिखाई दे रही है तो यही ग्लास काम आ जाएगा। मीटर की पोजीशन जो है वो दोस्तों ये है कि मीटर इसके अंदर ओरिजिनल लगा हुआ है यंके का, तो इसको रिपेयर करवा लिया जाएगा। हैंडल जो है वो क्रोमेबल है, हैंडल क्रोम हो जाएगा। टंकी पे जो छोटे मोटे डेंट पड़े हुए हैं वो सारे डेंट रिमूव होके टंकी वापस से क्रोम हो जाएगी। साइलेंसर मुझे इसके ओरिजिनल है उस्ताद, देसी साइलेंसर लगे हुए हैं, तो साइलेंसरों को ओरिजिनल के साथ में रिप्लेस किया जाएगा। बैंड पाइप पे जो है रस्ट आया हुआ है, बैंड पाइप क्रोम हो जाएंगे। पीछे का चेन कवर गायब है। साथ के साथ दोस्तों ये कुछ जुगाड़ हो रखा है यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग के लिए, तो इसको हटा के वापस से ओरिजिनल पे किया जाएगा। कार्बोरेटर की पोजीशन अभी खोलकर देखी नहीं है, तो चलो इसको भी उठाकर देख लेते हैं कि, चलो भाई घूंघटा उठाओ। कहीं फंसा हुआ है लग रहा है। तो कार्बोरेटर जो है वो दोस्तों इसके अंदर पेको वाला ही लगा हुआ है, तो इसको भी चेक किया जाएगा। उसके बाद में ये एक जुगाड़ कुछ यहाँ कर रखा है, तो इसको हटा के वापस से ओरिजिनल, दोनों नटों को ओरिजिनल डाला जाएगा। दोस्तों ये सारा बफ होगा। अब देखते हैं दोस्तों पीछे का टायर, तो पीछे का टायर देखा जाए तो अभी चलने लायक है, तो इस टायर को हम कर देंगे आगे। टायर गाड़ी के दोनों ही बढ़िया हैं, तो ये टायर कर देंगे हम आगे की साइड में और अगले वाला जो टायर लगा हुआ है उसको कर देंगे पीछे की साइड में। गाड़ी इस साइड से देखा जाए तो इस साइड से कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है, बहुत सारे डेंट गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं, बॉडी लाइन लेंथ में है नहीं। अब देखते हैं इसके इंजन की पोजिशन की, इंजन इसका क्या कह रहा है। तो दोस्तों इसका इंजन जो है शाबाश, किकी स्लिप है, ये देखिए कभी इंजन मूव कर रहा है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये गाड़ी स्टार्ट होगी। इस साइड से भी अगर देखा जाए टंकी को, तो टंकी ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है, हालांकि टंकी जो है दोस्तों वो क्रोम होने जैसी है, क्रोम हो जाएगी। रिम की पोजीशन ये है दोस्तों कि रिम तो चेंज ही करने पड़ेंगे, बाकी ओवरऑल जो है वो गाड़ी दोस्तों इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ती है। सीट की पोजीशन ये है कि सीट इसकी सीट प्लेट देख लिया जाए तो माशाल्लाह सीट प्लेट को बांध रखा है काले जादू के धागों से, दोनों पत्ती यहाँ की गायब है, तो इसको बनवा के सीट प्लेट यही यूज़ करेंगे, ये यूज़ हो जाएगी ना उस्ताद। तो दोस्तों सीट प्लेट यही यूज़ हो जाएगी और सीट बन जाएगी कुछ ऐसी। इन गाड़ियों का काम चल रहा है और कुछ कुछ छोटे मोटे टचअप्स बाकी हैं। ये गाड़ी एक तैयार हो रखी है, इसके टायर का वेट कर रहे हैं कि टायर आ जाए तो टायर डाला जाएगा। बाकी जो दोस्तों ओवरऑल जो गाड़ी आज हमें रिसीव हुई है
वो कुछ दिखाई पड़ती है इस तरह की। तो अगर आप भी जावा यजदी राजदूत बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है। और हमारी लोकेशन दोस्तों वो है कोटा सिटी राजस्थान में। तो आज ये गाड़ी हमें रिसीव हुई है जैसलमेर राजस्थान से। वीडियो देखने के लिए जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और जाते जाते कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।